नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी नरेश चिकारा फ्रॉम इंडिया टेक। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कंपाल कंपनी का 9634 यूनिट के साथ, जो कि 90 HP और AC कैबिन के साथ ही ट्रैक्टर है। और ये आउट ऑफ इंडिया जो है लॉन्च उसका है, अपने इंडिया में जो भी इसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसके अंदर जो फीचर्स है। सबसे पहले हम इसके इंजन की बात करते हैं। इसके अंदर 90 HP किर्लोस्कर और वाटर कूल्ड इंजन इसके अंदर आता है। और ये 4 व्हील ड्राइव के साथ जैसे ट्रैक्टर है, तो इसके हम टायर सज के अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर फ्रंट टायर जो है 12/4/24 के, और रियर टायर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है रियर टायर है 18/4/30 के अंदर है। रेडियल टायर के साथ ये ट्रैक्टर आ रहा है, इसका काफ़ी अच्छी लुक है। चलो इसके इंजन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इसके अगर हम फ्रंट हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो चुन लेगा कि इसके 72 किलो का एक वेट अलग से है, और उसके ऊपर जो है 8 वेट अलग से लगे हुए हैं, 35 kg के हिसाब से अलग बगिया मान लीजिए 3.5 से 4 क्विंटल वेट इसके ऊपर लगा हुआ था कि हाइड्रोलिक ट्रॉली वगैरह काम में की खिंचाई में जैसे करने वाली ट्रॉली हमें निकालनी है, कोई भी हैवी ड्यूटी इंप्लीमेंट इसके पीछे जुड़ा हुआ तो ट्रैक्टर खिंचाई के टाइम पर आगे से ना उठे, इसकी वजह से इसके ऊपर कंपनी जो है 3 से 4.5 क्विंटल के आसपास हैवीट लगा गया है। इंटरकूलर इसके रेडिएटर आगे लगा हुआ है, ड्राई एयर क्लीनर है, और एयर क्लीनर के साथ साथ इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है जो इंडिकेशन दे सकता है हमें कि हमारा जो रेडिएटर एयर फिल्टर जो है चौक हो चुका है और हम इसको साफ कर ले। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके अंदर जो है टर्बो लगी हुई है, और टर्बो के साथ साथ इसके अंदर इंजन के अंदर जो है ईजीआर सिस्टम लगा हुआ है। इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है जो एसी के लिए कैबिन के लिए जो ठंडा करता है। इसके अंदर अगर लिफ्टों के पंप वगैरह की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी बड़े पंप इसके अंदर दोनों साइड से दिए गए हैं, पावर स्टीयरिंग पंप भी और लिफ्टों का पंप भी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं लिफ्टों के पंप इसकी जो है फिल्टर की, तो इसमें काफ़ी बड़ा एक एल्यूमिनियम टाइप फिल्टर इसके अंदर दिया गया है जो हमारे हाइड्रोलिक ठंडा रखने के साथ साथ वॉश भी करता है। इसके अंदर बैटरी बॉक्स की अगर हम बात करें तो राइट साइड के पायदान के नीचे इसका जो है बैटरी बॉक्स दिया गया है। चलिए इसके पीछे भी इसी की बात करते हैं। पिछले हिस्से के अंदर लिफ्टों की जो लिंक जो काफी हैवी ड्यूटी भी बनाई गई है इसको सपोर्ट देने के लिए, ताकि हाइड्रोलिक इसके अंदर एक जैक सिस्टम इसके अंदर दिया है जो आराम से इजीली है हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ग्रीस पॉइंट दिया गया है ताकि ये कभी भी जाम ना हो। वो किसके अंदर एडजस्टेबल दिया गया है पीटीओ का लेवल, इसके अंदर एक यहाँ पे दिया गया जिससे हम रिवर्स फॉरवर्ड से पीटीओ की स्पीड को चेंज कर सकते हैं, और वो एडजस्टेबल है। इचिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सॉरी डंडे की जिसको हम टोपलिंग भी बोलते हैं, इसकी पॉइंट की अगर हम बात करें इसके अंदर सेंसिंग के लिए इसके अंदर 3 पॉइंट दिए गए हैं, और हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट्स यूज करने के लिए इसके अंदर 4 पॉइंट दिए गए हैं, ताकि हम अपने ट्रैक्टर से जो है कंप्यूटर गोड़ी वगैरह है या फिर डिस्क प्लाव हो गया, डिस्क एरो होगी, वो हम आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। कैबिन की अच्छी लुक है, कैबिन के ऊपर भी कंपनी LED लाइट लगा के दे रही है। और पीछे की साइड अगर मुर्गाडो की अगर बात करते हैं तो मुर्गाडो पे भी इसके अंदर जो है LED इंडिकेटर्स के साथ इसके अंदर ये लॉन्चिंग कर रही है कंपनी। चलिए बात करते हैं इसके कैबिन। इसके अंदर काफी खुला प्लेटफॉर्म इसके अंदर दे रही है कंपनी चढ़ने के लिए, एक प्लेटफॉर्म है। चलिए बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। अगर इसके डैशबोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर RPM मीटर दिया गया है, आवर्स मीटर दिया गया है, फ्यूल टैंक मीटर्स दिया गया है, बैटरी चार्जिंग मीटर दिया गया है, टेम्परेचर मीटर दिया गया है। ये इसके अंदर एंड रेस है, इसको अगर हम ऊपर की साइड कर देते हैं तो ये ट्रैक्टर के जो RPM ज्यादा हो जाते हैं और ट्रैक्टर जो है हाई स्पीड में दौड़ने लगता है। इसके नीचे की साइड करते हैं तो ट्रैक्टर की स्पीड लो हो जाती है और RPM लो हो जाते हैं तो ट्रैक्टर कम स्पीड में चलता है। उसके अलावा इसके अंदर जो है 4 गियर फॉरवर्ड्स और 3 गियर आइलो मीडियम से, यानी कि 4 से 12 गियर इसके अंदर दिए। इसके अंदर यहाँ पे स्टल गियर दिया गया है जिसको मगर आगे की तरफ करते हैं तो हमारा ट्रैक्टर आगे की तरफ 12 स्पीड में चलेगा, जिसको हम पीछे की साइड करते हैं तो हमारा ट्रैक्टर 12 स्पीड में पीछे की साइड चलेगा। और इसके अंदर यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया गया है, ये 4 व्हील ड्राइव के लिए। इसके अंदर यहाँ पे अलग से लीवर दिया गया है, यहाँ पे इसके अंदर ग्राउंड PTO और 540 PTO के लिए लीवर दिया गया है। इसके अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो बाहर से देखिए हमें पब्लिक कितनी इसके अंदर साफ नजर आ रही है, काफी खुला जो है कैबिन इसके अंदर दिया गया है, और HD ग्लास के साथ HD ग्लास क्वालिटी इसके अंदर दी गई है। और इसके अगर हम बात करते हैं इसके अंदर के कैबिन की, तो इसके अंदर एक LED सिस्टम है विद वीडियो सिस्टम के साथ इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छी छत है, छत के अंदर जो है इसमें जो है AC के लिए काफी ब्लोअर्स इसके अंदर लगाए गए हैं। इसको हम अलग अलग से अलग अलग 6-7 पॉइंट इसके अंदर है, हम अलग अलग अपने चेस्ट पे, छाती पे, चेहरे पे, जहाँ पे भी हम इसको एडजस्ट करना चाहे वहां पे कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइडों में इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम के लिए स्पीकर यहाँ पे लगाए गए हैं। और इसके अगर बात करते हैं इसके कैबिन की, तो ये चारों तरफ से ओपन लेवल है, लेफ्ट साइड भी हम खोल सकते हैं, राइट साइड भी हम खोल सकते हैं इसको। और जैसे इसको हम यहाँ से खोलते हैं तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ही चला जाता है। इसके अंदर जो है ऊपर सोकर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक इसके अंदर कोई झटका नहीं लगेगा, जिससे आपके ग्लास के टूटने के चांसेस कम होते हैं।
ये देखिए, और अगर आप इसका चाहें तो इसका फ्रंट शीशा भी हम खोल सकते हैं। ये आज तक आपने किसी भी कैबिन में देखा, दोनों साइड में इसके अंदर बार के साइड भी जैक है। बार का अगर हमने कैबिन खोला तो इसके अंदर फ्रंट के साइड भी जैक लगे हुए हैं। फ्रंट शीशे के ऊपर भी जो है वाइपर ब्लेड इसके ऊपर है, और रियर शीशे के ऊपर भी इसके अंदर वाइपर मशीन इन्होंने लगा रखी है। अगर हम बात करें पिछले हिस्से की, तो पिछला कैबिन अगर हमें खोलना है तो उसके ऊपर भी इन्होंने जैक लगा के दे रखी है। और इसके अंदर हम पीछे से कोई इंप्लीमेंट जोड़ दिया तो इसके अंदर काफी स्पेस पीछे से की साइड बनाया गया है। हम दोनों साइड से अपनी सीट के दोनों साइड से ड्राइव इसके अंदर आराम से देख सकते हैं, और पीछे से देख सकते हैं कि किस तरह से कौन से इंप्लीमेंट हम जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे पिछले साथी को कोई चोट वगैरह ना लगे। एक छत के अंदर जो है ठंडक ज्यादा बनी रही है और बाहर का टेम्परेचर का इसके अंदर असर ना पड़े, उसके लिए उन्होंने एक काफी इंपोर्टेड जो कैबिन बना के दिया है, और कैबिन के अंदर यहाँ पे पार्किंग लाइट दी गई है, अंदर हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की। म्यूजिक सिस्टम को अगर हमने ऑपरेट करना तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक रिमोट दिया है, जो हमारे स्टीयरिंग के साथ इसके अंदर हम लगा लेते हैं। ये अलग से आपको दिख रहा होगा, ये सारा जो है इसका म्यूजिक सिस्टम जो है रिमोट के साथ ऑपरेटेड होगा, उससे हम अपना फोन वगैरह भी अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, इसके अंदर कॉल रिसीव करने के लिए अलग से वो दिया गया है, और बटन और ये आवाज वगैरह ज्यादा करने के लिए, फ्लाइट मोड लगाने के लिए, स्पीकर बंद करने के लिए, जो भी कुछ हमें करना है। उसके अलावा हम इसका दिखाने चाहते हैं, इसमें जो डबल क्लच है यहाँ पे दी गई है, इसको हम आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अंदर दी गई है डबल क्लच, ये देखिएगा, यहाँ पे इसके अंदर डबल क्लच बना गई है। दोस्तों, एक ऐसी चीज करतार कंपनी हमें बना के देने जा रही है, तो हमारा बोनट ओपन नहीं होगा। उसके अलावा काफी शानदार दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारी आप देख पाओ हमारे चैनल की वीडियो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले।